नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 98 सेक्शन टीपीए के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि सारे सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं 98 क्या कहता है। इसमें कुछ खास बात नहीं की गई है। ये कहता है कि विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। विलक्षण बंधक यदि होता है, विलक्षण बंधक हमने जो बंधक पढ़ा था उसमें बंधक के प्रकार बताए गए थे, तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला जो बंधक था वो विलक्षण बंधक था, जिसमें मिक्सअप होता है, ये कोई एक प्रकार का नहीं होता। इसमें जो बंधक है उनमें दो प्रकार के बंधक भी मिक्स होते हैं, ऐसा हो सकता है। तो दो प्रकार के बंधक मिक्स होते हैं। तो 98 क्या कहता है, विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के बारे में बात करता है कि यदि विलक्षण बंधक की दशा में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व तो बंधक विलेख में यथास्थिति उनकी संहिता द्वारा। पहली बात तो ये है कि यदि विलक्षण बंधक होता है तो उसमें पक्षकारों के अधिकार दायित्व क्या होंगे। तो उन लोगों ने यदि कोई संविदा में यथास्थित कुछ लिख लिया है, यदि उन्होंने बंधक विलेख में विलक्षण बंधक की दशा में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व बंधक विलेख में यथास्थिति उनकी संविदा द्वारा, मतलब बंधक विलेख था उसमें उनने कोई संविदा की है तो उसके द्वारा तय होंगे, या ऐसी संविदा के विस्तार के बाहर स्थानीय प्रथा या द्वारा आधारित होंगे। और यदि ऐसी संविदा है उसके विस्तार के बाहर जाता है, विस्तार के बाहर जाता है तो क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ स्थानीय प्रथा के अनुसार होगा। पहली बात तो यह है कि जो विलेख में तय हुआ है उसके अनुसार होगा, जो संविदा दोनों के बीच में हुई है। यदि वह संविदा नहीं है तो स्थानीय प्रथा के अनुसार ही विलक्षण बंधक में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व तय किए जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।